Hey guys, what is up? So, as soon as I got to know that Father Chandran is being transferred to some other place, like any unarmed student, I had a wish to pay him a visit and talk to him for a while. So luckily, I got the opportunity to meet him with two of my other friends. So we have compiled a few videos and brought you Father Chandran's entire journey and a small vlog from us. Wow, what a lovely beard, man. Looking very handsome. Come up and they keep sitting next to me and then they move the stair and bring the stair closer. So quite surprised to see me in this attire. Actually I have wore this school dress. I could not get my pants, but I got this pants with my badge, with my ID card once again, because this attire reminds me of my memories of class 9 when for the first time I met with him. Class 10th में जब हमारे boards था, this was the most special time because हर दिन मैं wait करता था कि Father Chandran आए और अपने smiling face के साथ वो जितने भी थकान, जितने भी stress है, examination hall में जैसे ही आपका smile दिखता था, जितना भी stress, burden, वो fear जो रहता था boards का, सब गायब हो जाता था. Lots more to say, but ठीक है बहुत धन्यवाद. मैं कुछ बोलना चाहता हूँ. जब मुझको स्कूल का स्टूडेंट काउंसलर के रूप में मुझको लाए गए हैं, फादर प्रोविंशियल उसको बताए थे फादर चंद्रन आप इग्नेशियस हॉस्टल में रहेंगे, वहाँ हम लोगों का आदिवासी बच्चे लोग हैं उन लोगों को भी आप स्टूडेंट काउंसलर रहेंगे. इधर स्कूल में भी आप जो क्लास फादर प्रिंसिपल आपको दे देंगे वो क्लास आपको लेना ही पड़ेगा. आप शनी बाग का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप उनका ऑफिस जो है काउंसलर का ऑफिस उधर बैठ के आप, मैंने कहा ठीक है पर जो इच्छा परमेश्वर की है आपके द्वारा मुझको मिल रहा है, इसलिए मैं भरोसा रखते हुए मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना लूँगा. वो बोलते मैं शुरू किया है जो कुछ बोल रहे हो तुम बोला था बहुत अच्छा था, क्योंकि भगवान ने मुझको स्माइलिंग फेस दिया है, क्योंकि मेरे पिताजी भी दिलचस्पी आदमी थे, मिस्टर भास्करन अगस्टिन भास्करन, मेरी माँ कमला हेलन कमला भास्करन वो भी वो अच्छी गायक थी, गायक ठीक है सिंगर हारमोनियम भी बजा रही थी, उनसे मैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखा माँ से. 6-5 साल था मुझको समय जो क्यों बोल रहा हूँ, मेरा आदत बढ़ गया लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा ट्रेजर है, सबसे बड़ा धन दौलत है लोग, पीपल आर माय स्ट्रेंथ. इसलिए स्कूल में बच्चे लोग आप लोग KG 1 से लेकर क्लास 12 तक आप लोग उसको फादर शब्द लेके उसको बुलाते हैं, तो मैं फादर बनना चाहता हूँ. फादर इज अ प्रोटेक्टिंग फिगर, फादर इज अ प्रोवाइडिंग फिगर. एक परिवार में ये फादर होते हैं, बच्चों को प्यार देने वाला, बच्चों को रोटी खिलाने वाला, बच्चों को स्कूल भेजने वाला सब. मैं तो कमाई कुछ नहीं है मेरा, क्योंकि ऐसे समाजी हूँ मेरे लिए कुछ नहीं है. मेरा कमरा अपना कमरा नहीं है, जब मुझको यहाँ से दूसरा जगह जाना पड़ता है, मैं एक पिलग्रिम के रूप में मुझको दूसरा जगह जाना ही पड़ता है. जैसे कि अभी मैं यहाँ से रायगंज जाने वाला हूँ, आने वाला 30 तारीख तक मैं मुझे पहुँचूँगा गंगा के उस पार पश्चिम बंगाल में, क्योंकि हमारा डेरा यहाँ नहीं है. हम बोल सकते हैं बचपन से ये दुनिया छोड़ के जाने के तक हम लोग पिलग्रिम हैं,
लेकिन जैसे कि एक परिवार में माँ बाप होते हैं वो तो उन लोगों का घर है, उन लोगों का बाल बच्चे हैं, जैसे कि हम लोगों का टीचर लोग हैं, मास्टर लोग हैं, टीचर भी हैं, तो स्कूल के उनको रोजी रोटी उन लोगों को भी था, लेकिन मुझको मेरा सोसाइटी जीसस उसको देते हैं। इतने बोलने के बाद क्या बोलना चाहता हूँ, हमेशा मुस्कुराना तो कठिन है, दिल में दुख होगा, दुख होगी है, दुख होगा, दुख रहेगा, लेकिन वो गम के साथ कुछ हम लोगों को कुछ क्या बोलेंगे, मुस्कुराना पड़ता, क्योंकि बच्चे लोग मेरा दुख जो है अंदर उसको मैं उन लोगों को बताना नहीं चाहता, अपने दोस्त के साथ मैं बांटना चाहता हूँ, लेकिन बच्चों को चेहरा क्योंकि आ रहे हैं घर से, और वेलकमिंग एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्कूल। बच्चे लोग आने के समय भी खुशी से आना है, घर लौटते समय वाह हो गया है क्लास, सब लोग सब टीचर लोग से हमको छुट्टी, ऐसा जाने से पहले अच्छा हमको अच्छी शिक्षा मिला है और मैं घर वापस जा रहा हूँ, फादर का आशीर्वाद है, इसलिए तो मैं हमेशा मेरा कमरा के बाहर रखता था बच्चों को भाई भाई बोले। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। Some of my friends want to talk to you. Oh, definitely, please put them in touch. Sure. I'm very happy. I understand. Yes. 20th August 2020, Sunday. Dear Abhideepsh, good afternoon. I feel much honored and cherished by you since you have asked me to write a few words on this, your prized possession, your school diary. Just listen to this. You are an UUP. U full stop, U full stop, P full stop. Unrepeatably unique person. That's why it's very important for you to really love and appreciate yourself, the gift of your very life. Any improvement, any growth stems from this fact of your being. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say. Yeah, I've been a backbencher for a long time. और ये तीनों क्लासेस के बैक बेंचेस पे मैंने बहुत टाइम स्पेंड किए हैं, तो ये गार्डन ऑब्जर्व करने का मेरे पास बहुत टाइम था, यहाँ के स्क्विरल्स, एज आई सेड, एंड दिस वेल, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, बट देवर रूमर्स दैट वी हैड सम टॉर्टोइस ओवर हियर इन दिस वेल, और आई डोंट नो व्हाट इट इज. सो देयर्स फादर हिलेरीज, आवर प्रेजेंट प्रिंसिपल residence behind me. We would surely come to meet him some other day. So this is class 5th to class 8 assembly ground. यहाँ पे बहुत सारे speeches मैंने नहीं दी हैं because that time I was a very introvert kind of person. So this was our journey to meet Father Chandran before his farewell. और आज हमारे साथ
राहुल भैया और उसे गाय वेरी वेरी थैंक यू टू दे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड टू ऑल दोज पीपल हु कुड रिजॉइस द मोमेंट एंड जस्ट रिकॉल द मेमोरीज इट इज द लव दैट जीसस गिव अस चलो फाइन के चलो लाइक ऑलवेज वी आर नेवर गोइंग टू क्रॉस दिस गेट वी विल बी जंपिंग ओवर दिस बहुत टाइम बाद हमारी सबसे प्रिय टीचर हमसे मिले हैं सर अशोक तिवारी इनके क्लासेस में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होता था जिन्हें नींद आ जाए क्योंकि इनके क्लासेस सिर्फ क्लासेस नहीं इंटरटेनमेंट भी साथ साथ मिलते ही रहता था दीज आर लवेबल स्टूडेंट्स दे ऑलवेज चेरिश मी and they were very naughty and I had to run after them so I had a lot of entertainment chasing them to be disciplined and I hope they will do well in their future and they have taken admission in good schools and I wish them a bright future thank you and Father Chandran was a great teacher lovable very sensitive to the need of the student and at the same time very kind and his memory was very strong obviously and the person whom I cherish is one of them is Father Chandran because of his smile always laughing always looking at the need just like you sir thank you Father Chandran he's a great person wish him all the best for the new job and the new proposal